हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका फिर से स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं महाराष्ट्र और गोवा की बहुत ही फेमस सी फूड जिसका नाम है पॉम्फ्रेट फिश फ्राई। जी हां, इस फिश फ्राई को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप मेरी इस फिश फ्राई की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। तो चलिए आज इस फिश फ्राई की रेसिपी को शुरू करते हैं। पॉम्फ्रेट फिश फ्राई बनाने के लिए हमें ये दो पॉम्फ्रेट फिश, इसे क्लीन कर लिया है मैंने और ऐसे काट लिया है। फिर हमें चाहिए 10 से 12 लहसुन की कलियां छिली हुई, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ऐसे कटा हुआ। मसालों में हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 तिहाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होता है, और 1 छोटा चम्मच तंदूरी चिकन मसाला पाउडर। बेसन हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच, नींबू का रस 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कुकिंग ऑयल फिश को फ्राई करने के लिए, और थोड़ा सा पानी मसालों को मिक्स करने के लिए। सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार में ये हरी मिर्च, अदरक और ये लहसुन, ये तीनों को ब्लेंडिंग जार में डाल लें, थोड़ा सा पानी डालें 2 से 3 चम्मच, और फिर जार का ढक्कन बंद करके आप इसे एक पेस्ट बना लें। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया, ये देखिए ऐसा। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें हम ये सारे मसाले पाउडर जो हैं, जैसे कि ये तंदूरी मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर सिर्फ कलर के लिए होता है, इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता। फिर हम इसमें डालेंगे ये नींबू का रस, और फिर हम इसे ये जो पेस्ट हमने बना के रखा है उसे डाल लें पूरा, और फिर स्पून से इस मसाले को मिक्स करें। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक डाल के फिर से इसे मिक्स करें अच्छी तरह। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, ये फिश के भीतर हम इसको स्टफ करेंगे। अब ये हमने फिश को ले लिया है, अब देखिए जो फिश के बीच पार्ट को हमने ऐसे कट करके रखा है उस सारे भागों में हम इस मसाले को भीतर की तरफ भरेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे आप अपने फिंगर से उसको थोड़ा वाइट करके और उसमें ये मसाले भरते रहें। अब फिर ये बीच के पार्ट को इसमें आप ज़्यादा मसाला डालें, ये देखिए। अब हम इसके दूसरे साइड को भी ऐसे ही फिल कर लेंगे। अब इसी सेम प्रोसेस से हम ये दूसरा जो फिश है इसको भी स्टफ कर लेंगे, ये देखिए इसके भीतर हमने ज़्यादा मसाला डाला। अब हमने दोनों फिश को दोनों साइड से ऐसे उसके कटे भाग को स्टफ कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ मसाला है इसमें हम डालेंगे बेसन, और बेसन को मसालों के साथ मिक्स करेंगे। बेसन मिक्स करने के लिए हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालें नहीं तो मसाला जो है वो गीला हो जाएगा, क्योंकि इस मसाले से हमको फिश को कोट करना है। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम ये जो स्टफ किया हुआ फिश है इसके ऊपर एक मसाले की लेयर लगाएंगे। ये देखिए ऐसे दूसरे साइड भी हम ऐसे ही मसाला लगाएंगे, ये देखिए। अब दूसरे फिश को, ये एक फिश तैयार हो गया है, अब दूसरे फिश को भी हम सेम प्रोसेस से ऐसे मसाले से कोट करेंगे, और फिर हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये हमने दोनों मसाले को कोट कर लिया, अब इसे 30 मिनट फ्रिज में रख दें। आधे घंटा बाद हम गैस ऑन करेंगे और उस पर एक फ्राइंग पैन चढ़ाएंगे। पैन को गर्म कर लें, याद रखें पैन को हम ज़्यादा गर्म करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे ये तेल।
फिश को फ्राई करने के लिए। अब इस तेल को हम नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करेंगे। अगर आपकी तेल ज़्यादा गर्म नहीं रही तो जो फ़िश है वो पैन से चिपक जाएगी। तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे ये फ़िश। फ़िश डालने के बाद गैस का फ्लेम हम हाई पे रखेंगे 1 से 2 मिनट। फिर हम फिश को ऐसे स्पून से थोड़ा सा मूव करके देखेंगे, अगर वो पैन से थोड़ी भी चिपकी नहीं है तो गैस का फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी फ्राई हो जाए। ये देखिए, इसमें हमने जो बेसन यूज़ किया है उसकी वजह से ये फ़िश का ऊपर का पार्ट जो है वो बहुत ही क्रिस्पी आएगा और भीतर की स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट आएगी। ये आप इसे दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे पका लें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, बीच बीच में आप इसे पलटते रहें ताकि ये दोनों साइड से बराबर पके। ये देखिए, आप ऐसे इसे चारों तरफ से ताकि वो तेल में उसका पूरा आउटर लेयर जो है वो तेल में डूबा रहे ताकि वो फ्राई हो जाए। अब ये फ़िश फ्राई हो चुका है, हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए, ये फ्राई हो चुका है, हमने इसे किचन टॉवल पे निकाल लिया। आप इसे लेमन स्लाइस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।